मेंबर एरिया बोर्ड और चेयरमैन मुजफ्फराबाद सिटी डेवलपमेंट फाउंडेशन जाहिद अमीन एडवोकेट ने कैपिटल सिटी और डिविजनल हेडक्वार्टर्स मीरपुर रावलाकोट के लिए 2.5 अरब रुपए के खसूसी तरक्याती पैकेज की बहाली का मुतालबा किया है। साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर खान ने 3 बड़े शहरी मराकज के बुनियादी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तमीर और तरक्की और बेहतरी के लिए पैकेज की मंजूरी दी थी। मंजूर शुदा पैकेज के लिए 2021 और 2022 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में बाजाबता 2.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। उन्होंने कहा है कि अगस्त 2021 के बाद पीटीआई हुकूमत ने पैकेज पर अमल दरामद करने की बजाय मनसूख कर दिया। उन्होंने कहा कि हालिया 20 महीनों की 2 हुकूमतों ने कैपिटल सिटी के लिए 2019 से 2020 तक और 2020 से 2021 के जारी तरक्याती मंसूबों को भी नजरअंदाज किया। उन्होंने इस अमर पर अफसोस का इजहार किया कि 20 माह की 2 हुकूमतों ने 2022 के सालाना तरक्याती प्रोग्रामों ADP के तहत मंजूर शुदा मनसूबों पर भी कोई संजीदा इकदाम नहीं किए। उन्होंने कहा कि तमीर और तरक्की की गेंद अब मौजूदा वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की कोर्ट में है। अदल और इंसाफ की सूरत में हुकूमती मामलात इस्तेहकाम और बेहतरी की जानब जाएंगे, ताहम तासब तंग नजरी नाइंसाफी और सीना जोरी का अंजाम भी बदतरीन होगा। उन्होंने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जून 2021 से एराव सीरा के तमाम मनसूबा जात के लिए मंजूर शुदा फंड की फरामी रोक रखी है। तमीर नो के तमाम मनसूबे गुजश्ता 2 सालों से मुकम्मल बंद पड़े हैं। ठेकेदारों के बकाया जात की अदायगियों के लिए 1 पाई भी फराम नहीं की गयी। तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल गड़ी दुपट्टा और लाइफ स्टॉक वेटरनरी इंस्टीट्यूट दुमेल सईदा सिर्फ 4 करोड़ रुपए की अदम दस्तियाबी की वजह से बंद पड़े हैं। वजीर आजम आजाद कश्मीर एराव सीरा के जारी मंसूबों पर अमल दरामद करवाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से संजीदा बातचीत करें।